हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि फेस पे आप ब्लीच कैसे कर सकते हैं, वो भी घर पे विद इन 15 मिनट्स। यहाँ पे मैंने फैम की ब्लीच ली है। ये छोटा ट्रायल पैक है, जस्ट एक ही यूज़ कर सकते हैं आप, एक ही यूज़ वाला है ये। सबसे पहले क्या करना है आपको, फेस वॉश करना है। यहाँ पर मैं द बॉडी शॉप का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, टी ट्री। उसके बाद हल्के हाथों से अपने फेस को साफ करें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना अपने फेस को, बिल्कुल हल्के हाथों से साफ़ करें। फिर अपने बालों को सिक्योर करें कि ब्लीच उन पे ना लग जाए। यहाँ पे मैं हेडबैंड यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपने बालों को सिक्योर कर ले कि जब आप काम कर रहे हो कि वो बीच में ना आए। और यहाँ पे मैंने ब्लीच ली है। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्रीम आता है, छोटा सा टब है क्रीम का। और एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्या करता है कि जो आपके फेस पे हेयर होते हैं उनको ब्राउन करने में हेल्प करता है। और एक स्पैचुला आता है छोटा सा, जिससे आप अपनी क्रीम को मिक्स कर सकते हैं पाउडर के साथ और अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैनुअल भी मिलता है इसमें छोटा सा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में। मैं क्रीम को इसी में ही घोल रही हूँ, क्योंकि ये एक ही ट्रायल पैक है, तो यूज़ एंड थ्रो पैक है ये, तो मैं इसी में अपना पाउडर मिक्स करूँगी स्पैचुला की हेल्प के साथ। ये एक्टिवेटर है, ये हमें मिक्स करना है क्रीम में। यहाँ पे मैं 2-3 पिंचेस ले रही हूँ एक्टिवेटर को ऑन स्पैचुला। और क्रीम में मिक्स कर दूंगी पाउडर को। और आपको कंटिन्यू इसको 2 मिनट तक घोलना है, स्टर करना है कि अच्छे से जो इसका पाउडर है अच्छे से घुल जाए क्रीम में। अभी क्रीम बनके तैयार है, अब आप इसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पैचुला की हेल्प के साथ अपने फेस पे क्रीम को लगाऊंगी। जब आपकी ब्लीच पे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएं तो उसे क्या करें, एक फिंगर की हेल्प से सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू पूरे मुंह पे घुमाते जाएं,
पूरी क्रीम को ऐसे ही करना है, ये बबल तो फॉर्म होते हैं जब ये अपना काम करना स्टार्ट होते हैं, तो आफ्टर 5 मिनट्स आप देखेंगे आपके फेस पे ना बबल आ जाएंगे, तो आप उसको फिंगर की हेल्प से दोबारा स्मज कर दें। और उसके बाद वेट करें, क्योंकि कंटिन्यू 12 से 15 मिनट रखना है, तो उसके बाद मैं फिर वेट कर रही हूँ। और दोबारा इस पर जो बबल्स थे वो आ चुके हैं। अब स्पैचुला की हेल्प के साथ मैं क्रीम रिमूव कर दूँगी। इससे क्या होता है कि आपको ब्लीच उतारना फेस से इजी हो जाता है, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लगता है। तो जो भी क्रीम होता है वो स्पैचुला की हेल्प के साथ आप रिमूव कर दें और देन वॉश कर लें ठंडे ठंडे पानी के साथ। ब्लीच करने के बाद क्या होता है कि जो स्किन होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मामाअर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। और लिप्स के लिए मैं यहाँ पे हिमालय की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। या गाइज, दैट्स माय वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।